तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने USB पेन ड्राइव के थ्रू अपने PlayStation 2 में गेम खेलनी है कॉपी करके, तो मैं आपको उसका ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास फैट मॉडल हो, स्लिम मॉडल हो या फिर रसीला कॉम्बो, तो तीनों मॉडल में ये जो वर्क करेगा ये प्रोसेस। और एक चीज़ का वो ध्यान रखना है, आपकी जो मेमोरी कार्ड होती है, यानी कि आपकी जो PS2 की मेमोरी कार्ड होती है जिसमें आप गेम सेव करते हैं, उसके अंदर OPL होना ज़रूरी है, ठीक है। तो OPL अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता, तो वो मैंने एक वीडियो में बताया किस तरीके से आपको करना है। वो वीडियो का जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जाके चेक कर लें। OPL आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ से आपको ये एक USB UTIL नाम से zip फाइल मिलेगी, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है वहाँ से। ये कुछ 6 MB की है, इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप गेम को कॉपी करना चाहते हैं, तो पेन ड्राइव आपके पास 8 GB 16 GB चलेगी, जो भी हो, ठीक है, वो ले लें। उसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा लें। और एक आपको PS2 की गेम लेनी होगी, जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं, तो सिंपली गूगल पे PS2 ISO लिखें और गेम का नाम लिख दें, तो इस तरीके से आपको ISO फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका भी वीडियो बता दूंगा बना के। अब यहाँ तक का अपना काम हो जाता है, तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक इसी फोल्डर के अंदर एक GUI फॉर्मेट मिलेगा जिससे एप्लीकेशन को रन करना है। यस करेंगे यहाँ पे, देन इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, मेरी ई नेम से, तो मैं ई वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। ओके करेंगे, ये आपकी पेन ड्राइव को FAT32 पे फॉर्मेट कर देगा, ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो जाती है। उसके बाद इसे क्लोज कर दें। अब ये करना ज़रूरी है, वरना आपकी PS2 अपनी पेन ड्राइव को जो है शो नहीं करेगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा। इतना काम आपका हो जाता है, उसके बाद फिर से इसे ओपन करेंगे USB UTIL को, और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन होगी USB UTIL, इसे फिर से रन करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, इसे भी क्लोज करेंगे। यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट गेम फ्रॉम ISO पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपने जहाँ भी गेम रखी है डाउनलोड करके आपको वो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, ये देखिए Burnout 3, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से देखिए Burnout 3, इस पर क्लिक करना है एक बार आपको ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। और उसके बाद आपको कहाँ पे उस गेम को कॉपी करना है, तो हमें अपनी पेन ड्राइव में करना है, तो यहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे ई नेम से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो गेम का यहाँ से कर सकते हो, मैं फिलहाल जो है डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करेंगे और जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि PS2 की स्क्रीन पर ले जाके आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक का आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपको सिंपली इसे क्लोज करना है यहाँ से, ठीक है, क्लोज करना है, देन उसके बाद इसे फिर से यहाँ से क्लोज करना है। और उसके बाद आपको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करना होगा, बट रिमूव डायरेक्ट ना करें, यहाँ पे दिस PC को ओपन करें, देन उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और इजेक्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैसेज आ जाता है सेव टू रिमूव, आपको अपनी मेमोरी कार्ड को निकाल देना है। और उसके बाद आपको जाना है PS2 की स्क्रीन पे, और वहाँ का आगे का जो प्रोसेस मैं आपको PS2 की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं PS2 की स्क्रीन पे। तो अपने PS2 में लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव लगा देंगे। देन उसके बाद आपके पास इस टाइप की मेमोरी कार्ड होगी, और इस मेमोरी कार्ड को मैं एक बार थोड़ा सा फोकस में लेता हूँ, तो इस मेमोरी कार्ड को हमें लगा देना है अपने PS2 में, ठीक है, फर्स्ट वाले पोर्ट में। देन उसके बाद आपको अपना कंट्रोलर लगा देना है, जो कि PS2 का होता है। मैं यहाँ पे अपने PS2 को ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्रीन को ऑन करते हैं आपकी TV की, तो जब आप PS2 को ऑन करते हैं, सॉरी, तो आपके सामने मैट्रिक्स का लोगो आना ज़रूरी है, ठीक है, जिसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब मैं PS2 को ऑन करूँगा तो स्क्रीन के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं अपने R1 को होल्ड रखूँगा, R1 बटन को होल्ड रखेंगे और रेड बटन को ग्रीन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप मैट्रिक्स लिखा हुआ आएगा, ये देखिए, तो इस तरीके से मैट्रिक्स लिखा आना ज़रूरी है। और ये फ्री MC बूट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब यहाँ तक आपका काम हो जाता है, अब आपको सिंपली यहाँ पे OPL को लॉन्च कर देना है। तो यहाँ पे आके हम O प्रेस करेंगे, मैं थोड़ा सा फोकस सही कर देता हूँ, ठीक है, देन O प्रेस करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने PS2 में हार्ड डिस्क भी लगा रखी है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के गेम जो है शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ से लेफ्ट या राइट करना होगा, ताकि हमारी जो है USB मेमोरी कार्ड जो होती है वो शो हो जाए, और उसके अंदर जो भी गेम होंगे वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ से राइट करूँगा, ये देखिए हमारी Burnout गेम यहाँ पे शो हो गई है। अब सिंपली इसके ऊपर मैं O प्रेस करूँगा, तो हमारी गेम जो है रन हो जाएगी, ठीक है, लोडिंग हो रही है।
थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरीके से आप अपने PS2 की किसी भी गेम को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं और उसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई प्रोसेस में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूँगा। इंस्टाग्राम के ID मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आके आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, देन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।